नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। रेत के अवैध खनन व परिवहन पर अंकुश लगाने में जुटा प्रशासनिक व पुलिस अमला लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। आज एक बार फिर सीधी के कमरजी में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक खेत में डंप रेत के अवैध भंडारण में छापामार कार्रवाई करते हुए डंप रेत को जब्त करा लिया है। दरअसल कार्रवाई आज कमरजी थाना प्रभारी पवन सिंह सहित नायब तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला ने ग्राम कोटदर में की है। थाना प्रभारी पवन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि कोटदर गांव में एक खेत के बीच रेत का अवैध भंडारण किया गया है। जहां दबिश देते हुए डंप रेत को जब्त कर लिया गया है और रेत मालिक के संबंध में पता लगाया जा रहा है।